नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापोर्ट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया बोर्ड लेके आया हूँ और एक प्रॉब्लम भी नया है। ठीक है, देख सकते हो, एक AMD का बोर्ड है। वो मार्केट में जो मिलता है ऐसा वाला हर ब्रांड के नहीं है, एक दूसरे ब्रांड का है, नाम है डीजी लाइट का बोर्ड है। इसका मॉडल नंबर है DL960ZM GS3FX। ठीक है, ये बोर्ड मेरे एक रिटेल की शॉप से मेरे पास आया था गाइस। तो इस बोर्ड तो मैंने सक्सेसफुली रिपेयर कर चुका हूँ, तो करने का टाइम मैंने वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि बोर्ड इतनी आसानी से हो जाएगा। तो इस बोर्ड का कुछ अलग ही दिक्कत था। ठीक है, ना ही बोर्ड में कोई सप्लाई मिसिंग था, ना ही कोई वोल्टेज ड्रॉप था, ना ही बायोस कोरप्ट था, फिर भी बोर्ड डिस्प्ले नहीं आ रहा था। अब देखिए बोर्ड को, गौर से देखिए, मैं बोर्ड को आपको दिखाता हूँ। और बोर्ड भी बिल्कुल फ्रेश था, किसी इंजीनियर ने हाथ नहीं लगाया था बोर्ड पे। अब देख सकते हो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो इस बोर्ड का जो मैंने जब इसको इसके ऊपर ये वाला डिबग कार्ड मैंने लगाया, आप देख सकते हो ये वाला डिबग कार्ड लगाया, और मेरे पास और एक है, आपको दिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, ये दोनों वाला डिबग कार्ड जब मैं इस पर इंसर्ट किया तब इस पर 00 कोडिंग आ रहा था। अभी मैं ये आप लोगों को वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम था शॉर्ट आउट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोच रहा था भाई कोई सप्लाई मिसिंग नहीं है, सारा कुछ कनेक्शन सही है, फिर भी डिबग कार्ड में 00 कोडिंग क्यों आ रहा था। ठीक है गाइस, मैं सोच रहा था भाई ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मैं फिर ये भी सोचा शायद इसका स्पेशल स्लॉट में कुछ दिक्कत होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी नेम लॉक नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने बोर्ड को गौर से देखा, गौर से अच्छी तरीके से देख रहा था, और देखने के बाद पता चला यहाँ पर एक जम्पर दिख रहे हैं, शायद आपको दिख रहे हैं ना, ये रहा ये जो जम्पर है गाइस, ये जम्पर को किसी ने 1 on 2 यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आपको क्लियर, हाँ 1 2 नॉर्मल और 2 और 3 क्लियर सिमोस। हाँ अभी क्लियर आ रहा है, 1 2 नॉर्मल और 2 और 3 क्लियर सिमोस। तो शायद किसी बंदे ने इसका ये जम्पर 1 और 2 से निकल के 2 और 3 में नहीं लगाया, बल्कि पूरा निकल के ये जो आप देख सकते, ये स्पीकर लिखा हुआ है SPEKER, स्पीकर लिखा हुआ है इसका, ये दो वाला स्लॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जम्पर है, ये जो जम्पर है, ये निकाल के किसी ने इन दो स्लॉट में दे रखा था। ठीक है, जिसके वजह से इसका सीमो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था और इसमें डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था। सीपीयू ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज और सीपीयू के आसपास सारे साथ में डेटा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जिसके वजह से डिबग कार्ड में 00 कोडिंग आ रहा था। फिर जब मैं उसका क्या बताऊं, जब मैं उसका ये मतलब वो जो जम्पर सही कर दिया, सही करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि भाई डिबग कार्ड में कुछ कोड आएगा भी नहीं। तो जब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, दिखने से अच्छा क्या होता है। तो इसका सीपीयू फैन को भी मैं ये लगा देता हूँ और यहाँ पर एक ये वाला रैम लगा देता हूँ। रैम भी या इंसर्ट कर दिया, आप कोड दिखाता हूँ आप लोग क्या कोड आता है। तो मैं स्विच ऑन करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कोड आता है। देखिए डिबग का टोन हो गया, कोड चेंज हो रहा है, ये रहा आपको कोड दिख रहा है 2A 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 कोड पे ये रुक गया है।
ये प्रॉब्लम जो जंपर सही करने के बाद भी ये कोड आके रुक गया, तब मेरे समझ में नहीं आ रहा था भाई ये डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। मेरा रैम तो, मेरा ये जो रैम है रैम भी सही है, सीपीयू भी जो है वो भी सही है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने ये तीनों रैम मैंने चेंज किया, शायद रैम का कुछ प्रॉब्लम तो होगा। उसके बाद जाके मुझे ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, डिस्प्ले नहीं आया। फिर मैंने इसका जो बायोस है, इसको मैं फिलहाल इस बोर्ड को बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ। इसका बायोस भी रिप्लेस किया, इसको बायो इसका जो बायोस था इस मॉडल का, आप देख सकते हो इस मॉडल का जो बायोस है, ये जो मॉडल है D63ZM GS3, ये जो मॉडल है इस मॉडल का बायोस मुझे नेट पे नहीं मिला, लेकिन इसका सेम मॉडल का बिल्कुल सेम नंबर का बायोस एसरॉक का मुझे मिल गया, सेम बोर्ड का, तो मैंने उसका ऐसे लगा दिया। फिर भी ये जो कोडिंग था कोडिंग नहीं गया। फिर मैंने इस बोर्ड का जो मैंने मतलब डिटेल है, तो उस बोर्ड का डिटेल मैंने नेट पे चेक किया। चेक करने के बाद पता चला ये बोर्ड में कुछ अलग ही किस्म का रैम सपोर्ट करता है, तो कि जो कि है 1333 और 1600 OC, 18 1800 OC। ये OC का मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया हुआ था, ये अनबफर्ड रैम चाहिए। तब मैंने क्या किया, स्टारलाइट का एक 2GB 1600S, आप देख सकते हो, आप ये रैम देखिए, DDR2 GB है, DDR3 1600S इस मॉडल का मैंने, ताकि रैम को चेंज करके ये रैम लगा दिया 1600 FSB का। तब जाके मेरा लगाने के बाद, तब जाके मेरा इस बोर्ड पे डिस्प्ले सक्सेसफुली आ चुका है। ये जो रैम का प्रॉब्लम है ये हर बोर्ड में नहीं आता। मेरे पास और एक दूसरा कार्ड है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो भी आप देखिए, ठीक है। तो ये जो AMD का बोर्ड है, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम AMD में आता है कि भाई एक रैम दूसरे में सपोर्ट नहीं करता है। भाई सेम FSD वाला मेरा बाकी जो रैम है, या फिर आप देख सकते हैं सेम FSD 1333 करके है, कोई भी इसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट लिस्ट है उसमें है जो 1333 FSB का रैम इसे सपोर्ट करेगा, लेकिन ये रैम नहीं मतलब ये बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बोर्ड 1600 सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको ये रैम जो 1600 आपने मैंने दिखाया था, खोल के फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये जो रैम है 1600 FSB का है, स्टार लाइट का है 2GB। तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे ठीक है क्या होता है। तो रैम मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अब मैं बोर्ड को पावर ऑन करूँगा, स्विच दे दिया, ट्वीजर से मैं इसके स्विचिंग करता हूँ। देखिए डिबगकट पे 00 कोड चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों अभी 2A पे नहीं रुका है, सक्सेसफुली हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, आप देख सकते हो, मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ, मैं बोर्ड को रीसेट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने बोर्ड को दिखाया, ये बोर्ड डीजी लाइट का है, लेकिन यहाँ पे लोगो आ रहा है एसरॉक का। आप शायद सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड सक्सेसफुली बूट भी हो रहा है, मैं बताता हूँ वो क्यों हो रहा है। और मैं आप देखिए बोर्ड सक्सेसफुली बूट हो रहा है, और इधर नेम लॉक भी कहाँ पे है, इधर नेम लॉक का बटन भी जल रहा है, आप देख सकते हो नेम लॉक का बटन भी प्रॉपरली जल रहा है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, देखिए अब चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ बोर्ड को, अब देखिए यहाँ पे लोगो क्या किस चीज का आ रहा है।
एस रॉक का। लेकिन हमारा बोट कौन सी कंपनी का है? बोर्ड है हमारा डीजी लाइट का। ऐसा क्यों? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, मैंने इसका बायोस किया था, बायोस अपडेट किया था, लेकिन हम मुझे इस मॉडल का बायोस नहीं मिला नेट पे, लेकिन इसका सेम मॉडल का मतलब एसरॉक का बायोस मिल गया तो वो डाल दिया, इसीलिए उसका लोगो चेंज होके एसरॉक का आ गया। ठीक है गाइस, तो यही था आज तक, मतलब आज तक ए टू इतना ही काम सिर्फ मैंने किया और यही दिखाया। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा कोई बात नहीं है कोई पार्ट्स खराब हो, कोई सेटिंग, कुछ जम्पर से भी कोई डिस्प्ले नहीं आ सकता है। ठीक है, यही आज दिखाना था गाइस। डिस्प्ले आ चुका है, मैंने बायोस भी सेटअप कर लिया है। तो मेरे वीडियो अगर गाइस तुम लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर पूछिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।